गुड इवनिंग सर। हेलो स्टूडेंट्स, हेलो सर। इवनिंग। गुड इवनिंग गुड सर। इवनिंग गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। आज हर्षित सर अवेलेबल नहीं है, तो आज उन्होंने मुझे आज के क्लास दी है। तो आज की जो आपकी मैथ्स की क्लास है वो मैं कंडक्ट करने वाला हूँ, ठीक है ना? ओके एंड सर। यस, आगे भी पहले एक बार हम मिल चुके हैं। आपकी एक क्लास मैंने आगे भी एक बार कंडक्ट की है ना? तो आज हमारी ये सेकंड मुलाकात है, ठीक सर दो बार है? यस, ओके। चलिए, तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं एओडी के कुछ क्वेश्चन, ठीक है? हर्षित सर ने मुझे एओडी की एक डीपीपी सेंड की है, उसमें से सर ने कहा है कि डीपीपी के क्वेश्चन सॉल्व करवा दो। तो आपको आपकी नोटबुक एंड पेन रेडी रखनी है, ठीक है? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड सभी क्वेश्चन सबसे पहले आपको सॉल्व करने होंगे। और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 2 से 3 मिनट का वक्त मैं ईच एंड एवरी क्वेश्चन में देने वाला हूँ, ठीक है? एंड बाद में हम उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो आपकी नोट एंड पेन रेडी रखिए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। तो क्या आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। ओके, तो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स एंड उसका ये डीपीपी का फर्स्ट क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है। हाँ सर, चलिए, क्वेश्चन ब्लर आ रहा है। तो क्वेश्चन को अच्छे से 1 मिनट। हाँ, ओके, तो मेरे हिसाब से अभी आपको क्वेश्चन ठीक से दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए जल्दी से सॉल्व कीजिए। आप चैट में अपना आंसर सेंड कर सकते हो। यहाँ पे क्वेश्चन में एक फंक्शन गिवन है, ठीक है? आपको बी की पॉसिबल वैल्यूज फाइंड करनी है। यहाँ पे आपको बी के टर्म्स दिखाई दे रहे हैं। सच दैट एफ ऑफ एक्स हैज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एट पॉइंट एक्स इक्वल टू 1। फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू स्मॉलेस्ट होनी चाहिए
बी के कौन से वैल्यूज, यहाँ पे बी के इंटरवल्स दे रखे हैं, यानी कि बी की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ आ चुका है, बस आपको अभी सॉल्यूशन के बारे में सोचना है। हुआ क्या किसी से सॉल्व? सर फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आ रहा है। ठीक है चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। देखो तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, ठीक है ना। देखो फंक्शन एफ ऑफ एक्स दो टुकड़ों में, पहले वाले में इंटरवल है x का 0 to 1 एंड सेकेंड में 1 to 3। अभी देखो ये जो 2x-3 है ना, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? 2x-3 की मिनिमम वैल्यू, 2x-3 का ग्राफ आप देखोगे तो वो एक लाइन है, ठीक है। अभी आप मतलब 2x-3 की मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू बाउंड्री पॉइंट पे होगी 1 and 3 पे, तो एफ ऑफ 1 कितना होगा? एक मिनट। हाँ मेरा पेनटेप ठीक से वर्क नहीं कर रहा आज, मुझे जरा एक दो मिनट दीजिए, थोड़ा मुझे सेटिंग देखना होगा कि कहाँ पे इश्यू है। ठीक है चलिए ओके। सो यहाँ पे बात हो रही थी 2x-3 की, ये जो 2x-3 है
उसके मिनिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो बाउंड्री पॉइंट 1 एंड 3 पे ही होगी, ठीक है। तो एफ ऑफ 1 कितना हो रहा है, एफ ऑफ 1 2x माइनस 3 में 1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 1, एंड एफ ऑफ 3 कितना होगा, यहाँ पे 3 इंटू 2 6 और 6 माइनस 3 यानी 3, मतलब देखो 2x माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू इन द इंटरवल 1 टू 3, मतलब अगर x का इंटरवल 1 से 3 तक है तो मिनिमम वैल्यू है f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस 1, ओके। अभी देखना ये 2x माइनस 3 की मिनिमम वैल्यू माइनस 1 है, अभी ये जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है ना f की स्मॉलेस्ट वैल्यू एट पॉइंट x इक्वल टू 1 है, मतलब यहाँ पे फिक्स है कि f ऑफ x की स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 1 है। अभी ऊपर जो यहाँ पे आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, ऊपर वाला जो एक्सप्रेशन दिखाई दे रहा है वो माइनस 1 से बड़ा ही होना चाहिए, ये पूरा ऊपर वाला एक्सप्रेशन माइनस 1 से बड़ा ही होना चाहिए, अदरवाइज एग्जैक्ट माइनस 1 होना चाहिए। अगर ऊपर जो ये एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है इसकी वैल्यू माइनस 1 से और छोटी हो गई तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पॉइंट 1 पे स्मॉलेस्ट नहीं हो पाएगी। अगर पॉइंट 1 पे एफ स्मॉलेस्ट है तो उसकी वैल्यू माइनस 1 से और छोटी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। अभी देखो ये जो माइनस एक्स क्यूब आप देख रहे हो ना, यहाँ पे आप 1 को पुट करोगे तो ये माइनस एक्स क्यूब की वैल्यू माइनस 1 हो जाएगी, एंड 0 को पुट करोगे तो 0, तो ये जो माइनस एक्स क्यूब है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस 1 है, ठीक है। माइनस एक्स क्यूब की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है, माइनस एक्स क्यूब की स्मॉलेस्ट वैल्यू है माइनस 1। अगर ये एक्स क्यूब अगर माइनस 1 हो गया, ये माइनस एक्स क्यूब माइनस 1 हो गया, तो इसके बाजू में ये जो आपके बी वाली पूरी टर्म्स दिखाई दे रही है, बी वाला पूरा एक्सप्रेशन आपको दिखाई दे रहा है, वो 0 या 0 से बड़ा होना बहुत जरूरी है। अगर ये वाले एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव में चली गई तो यहाँ पे माइनस 1 पुट करने पर ये माइनस 1, और मान लो ये पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू भी माइनस 1 माइनस, तो ऐसे कुछ नेगेटिव वैल्यू है, तो ये जो पूरा सिंप्लीफिकेशन है वो माइनस 1 से और छोटा हो जाएगा, जो हमें नहीं होने देना है, ठीक है। मतलब यहाँ पे आपको बी की वो वैल्यू सिलेक्ट करनी है जिससे ये पूरा बी वाला एक्सप्रेशन ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे बी क्यूब माइनस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 3b, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1 ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ये एक्सप्रेशन ग्रेटर और इक्वल टू 0 होना ही चाहिए, ठीक है। अगर ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगा तभी f की वैल्यू पॉइंट 1 पे मिनिमम होगी, ओके। चलिए तो आपको यहाँ पे अब ये जो इनइक्वालिटी है उसे सॉल्व करना होगा। तो न्यूमरेटर क्या फैक्टराइज हो सकता है, न्यूमरेटर का एक्सप्रेशन यस बी स्क्वायर को कॉमन निकालो तो ब्रैकेट में बी माइनस 1, यहाँ पे जो बी माइनस 1 है उसमें से 1 को कॉमन तो ये बी माइनस 1 अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के फैक्टर्स बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 1, एक मिनट हाँ यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ लग रही है मुझे, यहाँ पे डिनोमिनेटर में प्लस 1 नहीं लेकिन प्लस 2 होना चाहिए था, एक मिनट हाँ जरा मैं देख लेता हूँ। यस यहाँ पे क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्वेश्चन में भाई मिस्टेक है, यहाँ पे 1 नहीं है, यहाँ पे होना चाहिए 2 को तभी ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। ठीक है अभी डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 उसे फैक्टराइज कीजिए, बी स्क्वायर प्लस 3b प्लस 2 के फैक्टर्स क्या लिख पाओगे, तो बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 करेक्ट है ना, विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0, देयरफॉर हमारा न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बी माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में बी प्लस 1 इंटू बी प्लस 2 विच इज ग्रेटर और इक्वल टू 0। अभी देखो ये जो बी स्क्वायर प्लस 1 है ना वो तो ऑलवेज पॉजिटिव है, यहाँ पे आपको वेवी कर्व मेथड अप्लाई करनी है, ये b माइनस 1 1 पे 0 हो रहा है, ये नीचे वाला माइनस 1 पे और ये माइनस 2 पे, और बी स्क्वायर प्लस 1 0 होने ही नहीं वाला, वो तो ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू 1 होगा, बी स्क्वायर प्लस 1 ऑलवेज पॉजिटिव है, ठीक है।
तो नंबर लाइन पे सबसे छोटा पॉइंट वन माइनस वन एंड माइनस टू में सबसे छोटा माइनस टू, उसके बाद माइनस वन एंड उसके बाद प्लस वन, यहाँ पे प्लस इंफिनिटी, यहाँ पे माइनस इंफिनिटी। अभी देखो डिनोमिनेटर माइनस वन एंड माइनस टू पे जीरो हो रहे, ठीक है। अभी देखो वेवी कर्व मेथड में लास्ट में यहाँ पे प्लस से स्टार्ट करना है, प्लस माइनस आपने वन को क्रॉस किया तो वन वाला जो फैक्टर है बी माइनस वन उसका पावर ऑड होना चाहिए, अगर इवन पावर है तो साइन रिपीट होती है, प्लस के बाद फिर से प्लस को रिपीट करना है, लेकिन यहाँ पे बी माइनस वन, बी प्लस वन एंड बी प्लस टू तीनों के पावर तीनों के ऑड पावर है, इवन पावर पे साइन रिपीट करना है, तो यहाँ पे साइन चेंज होती जाएगी, प्लस माइनस यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस, तो जी प्लस वाला इंटरवल हमें कंसिडर करना है वो है हमारे बी की वैल्यू। एंड हाँ बी की वैल्यू आप माइनस वन एंड माइनस टू नहीं पुट कर सकते क्योंकि डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा, तो बी इक्वल टू वन क्या आप कंसिडर करोगे? हाँ इक्वल टू जीरो कंसिडर करना है, तो बी की वैल्यू अगर वन है तब ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा, तो वन को कंसिडर करो। तो बी का इंटरवल क्या, एक तो प्लस वाला ये इंटरवल ओपन इंटरवल माइनस टू से माइनस वन यूनियन, और यहाँ पे प्लस है और वो इंटरवल है क्लोज वन टू ओपन इंफिनिटी, तो ये आपका आंसर है। सर आपकी स्क्रीन ब्लर हो रही है, एक मिनट। हाँ ओके अब तो ठीक दिखाई दे रहा है क्या? चलिए थोड़ा बहुत सही है, थोड़ा सा ब्लर है एक्चुअली मेरे फोन में तो सब ठीक दिखाई दे रहा है। सर कभी कभी हो जा रहा है, बीच बीच में हो रहा है, ठीक है ओके। यहाँ पे कौन सा आंसर हो रहा है? तो फिर सर फर्स्ट वाला ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है ना। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू पे आते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर टू को सॉल्व कीजिए। ओके बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, थर्ड ऑप्शन की बातें हो रही है। चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो यहाँ पे फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एक्सट्रीम वैल्यूज एट पॉइंट एक्स इक्वल टू माइनस वन एंड एक्स इक्वल टू थ्री, देन यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी।
एक्सट्रीम वैल्यूज का मतलब लोकल मैक्सिमम एंड लोकल मिनिमम। तो ये जो पॉइंट है -1 और 3, ये पॉइंट्स लोकल मैक्सिमा या तो फिर लोकल मिनिमा कोई भी एक पॉइंट है ना। और आपको पता होना चाहिए कि लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो होता है। ओके तो यहाँ पे हमें बात करनी होगी फंक्शन के डेरिवेटिव की, यानी एफ डेस ऑफ एक्स की। फंक्शन एफ का डेरिवेटिव, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x2, ए एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव हो जाएगा ट्वाइस ए एक्स, बी एक्स का डेरिवेटिव प्लस बी, एंड ये सी का डेरिवेटिव हो जाएगा जीरो। एक्स इक्वल टू -1 और +3 है एक्सट्रीम वैल्यूज, यानी ये एक्सट्रीम वैल्यूज देने वाले पॉइंट्स है। तो उन इन दोनों पॉइंट्स पे एफ का डेरिवेटिव जीरो होने वाला है, यानी एफ के डेरिवेटिव में आप -1 को पुट करो तो डेरिवेटिव की पूरी वैल्यू जीरो हो जाएगी, एंड 3 पुट करने पर भी जीरो। तो पहले हम पुट करने वाले हैं -1 को, तो ये -1 का स्क्वायर +1 × 3, ये 3 हो जाएगा। यहाँ पे एक्स की वैल्यू -1 पुट करने पर ये पूरा हो जाएगा -2a, ये प्लस बी को एज इट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ये जीरो कैसे आया, क्योंकि ये आपने पढ़ा है। सो यहाँ पे -2a + b को राइट साइड पे ले जाओ, देन वी हैव 2a - b = 3। सो दिस इज एन इक्वेशन। एंड उसके बाद पॉइंट थ्री पे एक्सट्रीम वैल्यू दे रहा है एफ, यानी पॉइंट थ्री पे उसका डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा। सो वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ डेस ऑफ 3। यहाँ पे 3 पुट करने पर ये हो जाएगा 27, यहाँ पे 3 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 6a, एंड ये प्लस बी विच इज इक्वल टू जीरो। 27 को ले जाओ राइट साइड, तो ये हो जाएगा 6a + b = -27। दिस इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके ए एंड बी को फाइंड करो। तो इक्वेशन को एलिमिनेट करते हैं बी को, दोनों को प्लस कर दो, तो बी कट हो जाएगा, 6a + 2a वो हो जाएगा 8a, और ये -27 में +3 करने पर होता है -24। तो a की वैल्यू आ जाएगी -3। अब आपको चाहिए b की वैल्यू, तो a की वैल्यू जो -3 है वो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, तो ये -6 - b = 3, therefore b इक्वल टू हो जाएगा -9। एंड बात करनी अभी c की वैल्यू की, a एंड b तो आ चुके, अभी c का क्या करें। तो देखो c तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट हो रहा है, यानी कि c की कोई भी वैल्यू हो सकती है, c कोई भी रियल नंबर हो सकता है, ठीक है ना। c कोई भी रियल नंबर है, वो तो डिफ्रेंशिएट होके जीरो ही हो जाएगा। तो आंसर आ रहा है ऑप्शन c, ठीक है। किसी को कोई डाउट, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। फंक्शन एफ गिवन है क्यूबिक पॉलिनोमियल, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है। सभी ऑप्शन में बात हो रही है मैक्सिमा एंड मिनिमा की। फर्स्ट में कहा है कि मैक्सिमा या मिनिमा नहीं मिलने वाला। सेकेंड में एफ के डेरिवेटिव जीरो हो जाएगा एट पॉइंट टू। ऑप्शन सी में फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा एट पॉइंट टू, यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात हो रही है। एंड लास्ट में फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। सर दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। बहुत क्या हुआ, क्या हुआ बेटा, अब दिख रहा है सर, फिर से ब्लर हो गया था। ठीक है, सबसे पहले आपको फंक्शन एफ का डेरिवेटिव फाइंड करना होगा। पहले ऑप्शन बी को देख लो क्या वो करेक्ट है, आपको कौन सा रॉन्ग है वो यहाँ पे फाइंड करना है। एंड उसके बाद मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग का मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव होना चाहिए, तो ऑप्शन डी भी करेक्ट हो पाएगा। एंड लास्ट में ऑप्शन ए एंड सी मैक्सिमा एंड मिनिमा को चेक करो।
चलिए आ गया क्या आपका आपका आंसर? कि आपने फंक्शन एफ का डेरिवेटिव फाइंड कर दिया है। व्हाट इज एफ डैश ऑफ एक्स? एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² माइनस 6x² का डेरिवेटिव हो जाएगा 12x, प्लस 12x का डेरिवेटिव प्लस 12, माइनस 8 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ पे आप 3 को कॉमन निकाल सकते हो। इन द ब्रैकेट x² माइनस 4x + 4। अभी यहाँ पे देखो ये क्वाड्रेटिक को x² माइनस 4x + 4 को देखो ध्यान से, ये तो कंप्लीट स्क्वायर के फॉर्म में है। x² माइनस 4x + 4 कौन सी पॉलिनोमियल का कंप्लीट स्क्वायर है? x माइनस 2 का होल स्क्वायर है ना? तो देखो एक बात तो क्लियर है, ये ऑप्शन बी के बारे में पहले देख लो। तो देखो यस करेक्ट है, पॉइंट टू पे एफ का डेरिवेटिव 0 हो रहा है। क्लियरली इट इज विजिबल दैट फॉर एक्स इक्वल टू टू, एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, मतलब एफ डैश ऑफ टू इक्वल टू 0, यानी ऑप्शन बी करेक्ट है। आपको कौन सा करेक्ट नहीं है वो फाइंड करना है, रॉन्ग स्टेटमेंट। अभी देखो यहाँ पे एफ डैश ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 होने ही वाली है। हाँ इक्वल टू 0 भी हो सकती है, लेकिन वो सिर्फ पॉइंट टू पे ही। अगर आपने एक्स की वैल्यू यहाँ पे 2 कंसिडर की तब तो भी ये एफ डैश 0 होता है। अगर फंक्शन की वो वैल्यू जो फंक्शन के डेरिवेटिव में एक्स की बहुत सारी वैल्यू फंक्शन के डेरिवेटिव को 0 बना रही है, तो वो सभी एक्स की वैल्यू इंटरवल नहीं फॉर्म होना चाहिए उन सभी वैल्यू से। तो यहाँ पे बस एक्स की ओनली एक ही काउंटेबल वैल्यू है और वो वैल्यू है 2। एफ का डेरिवेटिव सिर्फ 2 पे ही 0 हो रहा है, और पॉइंट ये जो 2 है ना एक्स इक्वल टू 2, इट इज नॉट एन इंटरवल। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है एंड इक्वल टू 0 होने पर अगर वो इंटरवल नहीं बन रहा, तो मतलब फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट। अब देखो मैक्सिमा इन मिनी का की मिनिमा की बात हो रही है ऑप्शन ए एंड सी में। तो देखो पॉइंट ये जो पॉइंट है एक्स इक्वल टू टू, पॉइंट टू पे फंक्शन का डेरिवेटिव 0 है, यानी कि पॉइंट टू पे मैक्सिमा या मिनिमा हो सकता है। लेकिन उसके लिए आपको फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट या फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेनी होगी। तो चलिए यहाँ पे हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की हेल्प लेने वाले हैं। तो पॉइंट वन की बात करनी है। पॉइंट वन पे फंक्शन का डेरिवेटिव यानी एफ डेस ये अपनी साइन चेंज करेगा या नहीं चेंज करेगा? तो देखो एफ डेस है 3 × x − 2 होल स्क्वायर। अगर यहाँ पे 2 से बड़ी कोई भी वैल्यू एफ डेस में आप पुट करोगे, 2 से बड़ी वैल्यू यानी कि एक्स की वैल्यू 3, 4, 5 कोई भी वैल्यू पुट करो, ये पॉजिटिव ही होने वाला है क्योंकि यहाँ पे होल स्क्वायर है। एंड सिमिलरली यहाँ पे 2 से छोटी कोई भी वैल्यू यहाँ पे आप पुट करोगे फंक्शन के डेरिवेटिव में, तब भी ये पॉजिटिव। यानी पॉइंट टू पे फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी साइन नहीं चेंज करा, यानी 2 नेइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा का पॉइंट है। यानी पॉइंट टू मतलब पूरे फंक्शन के पास कोई मैक्सिमा या मिनिमा नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, लेकिन आपको जो रॉन्ग ऑप्शन है वो फाइंड करना है, तो वो है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी में आपसे कहे कि पॉइंट टू पे फंक्शन को मैक्सिमा या मिनिमा मिलने वाला है, तो यहाँ पे कोई मैक्सिमा मिनिमा नहीं मिलने वाला पॉइंट टू पे। आई होप कि आपको ये एक्सप्लेनेशन समझ आ चुकी होगी। कोई डाउट है किसी बच्चों को? शिवम कुमार क्या हुआ है, क्या हुआ शिवम? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है ना? तो ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द क्रिटिकल पॉइंट्स ऑफ गिवन फंक्शन। ये फंक्शन आपको गिवन है, इंटरवल देख लीजिएगा ओपन इंटरवल है। क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। क्या आपको क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में पता है? चलो याद करके बताओ मुझे क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? चलो किसी को तो बताना ही होगा। क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब कौन से पॉइंट्स?
क्यों कोई आंसर नहीं दे रहा? चलिए बताइए। हाँ क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब जहां पे फंक्शन का डेरिवेटिव एक्स की जो वैल्यू पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उन पॉइंट को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। एंड साथ में फंक्शन जिस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है वो सब पॉइंट्स भी हमारे लिए क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। यानी क्रिटिकल पॉइंट्स का मतलब एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है एंड साथ में एक्स की वो वैल्यू जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है उन सभी पॉइंट्स को हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। तो यहाँ पे आपको फंक्शन एफ के क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम इन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। चलो किसी ने सॉल्व किया क्या? शिवम कुमार ने सॉल्व कर दिया, ऑप्शन सी कह रहा है। ठीक है देखते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। लैपटॉप घरे चलिए। तो देखो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैक्सिमम इन साइन एक्स एंड कॉस एक्स। देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करने के लिए आपको ग्राफ की हेल्प ले लेनी चाहिए। हम यहाँ पे फंक्शन के ग्राफ के बारे में सोचते हैं, है ना? तो यहाँ पे आपको फंक्शन का ग्राफ बनाना है 0 से 2 पाई तक। यानी पूरा ग्राफ फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होने वाला है। तो ये पॉइंट है 0, उसके बाद π/2, पाई 3π/2 एंड 2π, यहाँ तक है ना। तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे साइन एक्स का ग्राफ। साइन एक्स का ग्राफ 1 पे मैक्सिमम होता है, -1 पे मिनिमम। ओरिजिन पॉइंट से स्टार्ट करना है आपको। तो ये ड्रॉ हो चुका है साइन एक्स का ग्राफ, ठीक है? ये ब्लू कलर वाला साइन एक्स का ग्राफ है। अब आपको ड्रॉ करना है कॉस एक्स का ग्राफ। कॉस एक्स का ग्राफ वाई एक्सिस के पॉइंट 1 से स्टार्ट होगा एंड कुछ इस प्रकार से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये है कॉस एक्स का ग्राफ। जीरो, π/2, पाई, 3π/2 एंड 2π। अभी देखो मैक्सिमम, मैक्सिमम यानी कौन सा पोर्शन? मैक्सिमम साइन एंड कॉस में। तो देखो इतना जो इंटरवल है ना, इतना यहाँ पे π/4 होगा। यहाँ पे ये वाला हिस्सा मैक्सिमम होगा, तो ये हमारे ग्राफ का हिस्सा है। उसके बाद देखो यहाँ से π/4 से यहाँ तक ये कौन सा पॉइंट है? पाई और 3π/2 के बीच में 5π/4, तो ये वाला हिस्सा मैक्सिमम है। तो ये हमारे ग्राफ का हिस्सा है, ये हिस्सा, ये ब्लू कलर से जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ वो हमारा ग्राफ का हिस्सा है। उसके बाद यहाँ पे देखो ये वाला हिस्सा मैक्सिमम हो रहा है। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं? यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, जहाँ पे शार्प कॉर्नर बनता है वहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये है पहला शार्प कॉर्नर और ये है सेकंड शार्प कॉर्नर। इन दोनों पॉइंट्स पे यानी π/4 पे एंड 5π/4 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है।
बाई फोर एंड फाइव पाई बाई फोर पे एफ इज नॉट डिफरेंशिएबल, एंड उसके बाद जहाँ पे फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो रही है, तो क्या आप बता पाओगे कि फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू कब जीरो रही है? मतलब आपको वो पॉइंट यहाँ पे फाइंड करना है कि जहाँ पे फंक्शन, ये जो फंक्शन का ग्राफ है उसका टेंजेंट एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये वाले पॉइंट पे अगर आप यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे, तो ये वाले पॉइंट पे टेंजेंट हॉरिजॉन्टल है यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो इस पॉइंट पे एफ डेस ऑफ एक्स जीरो हो जाएगा। और ये पॉइंट कौन सा है? पाई बाई टू है, तो पाई बाई टू पे एफ डेस ऑफ एक्स जीरो बन जाएगा। और कोई पॉइंट है क्या? देखो आप ये मत कहना कि सर यहाँ पे भी पैरेलल है, ये ग्राफ का हिस्सा, ये ग्रीन कलर का ग्राफ देखो, ये ग्रीन कलर को देखो, यहाँ पे ये टू पाई वाले पॉइंट ओपन इंटरवल है, यानी टू पाई को कंसिडर नहीं करना। तो टोटल यहाँ पे थ्री पॉइंट्स है, और वो थ्री पॉइंट्स कौन से, कौन से तीन क्रिटिकल पॉइंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं? पाई बाई फोर, पाई बाई टू एंड फाइव पाई बाई फोर, दीज आर द थ्री क्रिटिकल पॉइंट्स। सो आई 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 होप कि आपको ये समझ आ चुका होगा। कोई दिक्कत है किसी को, कोई भी डाउट? तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं हम, ठीक है? चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सिक्स, फाइंड ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा फॉर गिवन फंक्शन। चलो सॉल्व कर दो इसे। ऑप्शन सी बोल रहे हैं बच्चे। चलिए सॉल्व करके देख लेते हैं। फाइंड ऑल द पॉसिबल पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है? चलिए तो गिवन फंक्शन इज एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, वेर एक्स बिलोंग्स टू आर। अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एक्स को कॉमन एंड यहाँ पे एक्स माइनस टू, ठीक है? अभी हमें मॉड्यूलस को ओपन करना होगा। तो मॉड्यूलस कहाँ कहाँ पे जीरो हो जाएगा? एक तो एक्स की वैल्यू जीरो पे एंड एक्स की वैल्यू टू पे, जीरो टू प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अगर टू से बड़ी वैल्यू मॉड्यूलस में पुट करोगे, यानी यहाँ पे अंदर, तो ये पॉजिटिव होने वाला है। जीरो से टू के बीच में मॉड्यूलस ये वैल्यूज नेगेटिव होने वाले और यहाँ पे पॉजिटिव। सो एफ ऑफ एक्स कैन बी रिटर्न एस, तो देखना सबसे पहले हम एक्स ग्रेटर देन टू की बात करते हैं। अगर एक्स टू से बड़ा है या तो फिर इक्वल टू टू है, तब ये पूरा एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स पॉजिटिव होने वाला है। अगर x 0 से 2 के बीच में है
और जीरो को यहाँ पे इक्वल मान लो, तब ये नेगेटिव हो जाएगा, मॉड्यूलस नेगेटिव के साइन से ओपन होगा, यानी ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। एंड अगर एक्स एक्स की वैल्यू जीरो से छोटी है, एक्स नेगेटिव है, तो ये मॉड्यूलस प्लस के साइन से ओपन होगा। क्लियर है? अभी देखो, आपको यहाँ पे मैक्सिमा एंड मिनिमा की बात करनी है, उसके लिए आपको फंक्शन का डेरिवेटिव चाहिए। अभी देखो, फंक्शन एफ टुकड़ों में है, अगर कोई भी फंक्शन टुकड़ों में है तो उसका डेरिवेटिव फाइंड करने से पहले आपको ये चेक करना होगा कि क्या है वो फंक्शन कंटिन्यूस है। तो मॉड्यूलस के बारे में आपको ऑलरेडी पता है कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन है, उसके अंदर कोई पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल भी कंटिन्यूस है, दो कंटिन्यूस फंक्शन का कॉम्बिनेशन कंटिन्यूस होता है, ठीक है, तो उसका कंपोजिशन कंटिन्यूस फंक्शन, यानी एफ पूरा कंटिन्यूस है। तो अभी आप चेक करना है तो करके देख लो कि क्या टू पे एल एच एल एंड आर एच एल इक्वल है, जीरो पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल है, तो वो इक्वल आने ही वाला है, ठीक है। मतलब आप फंक्शन को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बाई यूजिंग फॉर्मूला। तो फंक्शन का डेरिवेटिव एफ डेस ऑफ एक्स हम फाइंड करने वाले हैं। ओके, फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करते वक्त यहाँ पे आपको x स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 2 लिखना है, यहाँ पे 0 लेस देन x लेस देन 2 एंड x लेस देन 0, यानी 0 एंड 2 की बातें अलग से करनी होगी, डेरिवेटिव 0 एंड 2 पे जो डेरिवेटिव है उसकी बातें अलग से करनी होगी, ठीक है। इक्वालिटी के पॉइंट की बातें अलग से करनी है, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x माइनस 2x का डेरिवेटिव माइनस 2, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव माइनस 2x प्लस 2 एंड लास्ट में ये वाले का डेरिवेटिव हो जाएगा 2x माइनस 2। अभी देखो, ये जो पॉइंट 2 है, ये पॉइंट 0 है, वहां पे आपको राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करके देखना होगा कि दोनों इक्वल है या इक्वल नहीं है। तो पॉइंट 2 पे राइट हैंड डेरिवेटिव को देखो, ये हो जाएगा राइट हैंड डेरिवेटिव 2, ठीक है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव यहाँ पे 2 पुट करोगे तो ये 2, एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 को यहाँ पे पुट करो तो ये माइनस 2, यानी पॉइंट 2 पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल। अभी x इक्वल टू 0 पे आपको चेक करना होगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। तो 0 0 यहाँ पे राइट हैंड डेरिवेटिव आपको मिल जाएगा प्लस 2, एंड x लेस देन 0 में आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव मिलने वाला है माइनस 2, यानी पॉइंट 0 पे भी हमारा फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल है, ठीक है। एंड फंक्शन कहीं पे जीरो हो रहा है, अगर एक्स की वैल्यू यहाँ पे जीरो ले लोगे तो जीरो होगा, टू पे जीरो हो रहा है, सॉरी फंक्शन के डेरिवेटिव को देखना है, मैं तो एफ को देख रहा हूँ, डेरिवेटिव को देखो, डेरिवेटिव कोई वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, वन पे जीरो हो जाएगा, यस, ये जीरो से टू इंटरवल के बीच में वन पुट करोगे तो जीरो, तो एफ डेस ऑफ वन जीरो होगा। उसके बाद और कोई वैल्यू है जहाँ पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो हो सकता है तो नो। तो देखो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से है, एक तो ये टू जीरो एंड एक ये वन, क्योंकि वन पे फंक्शन का डेरिवेटिव जीरो है, तो इन तीनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट हमें मैक्सिमा या मिनिमा दे सकते हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आपको चेक करना होगा साइन, जीरो वन एंड टू, एफ डेस का साइन आपको देखना होगा, एफ डेस का साइन, चलो टू से इंफिनिटी वाले इंटरवल में, टू टू इंफिनिटी, तो यहाँ पे एफ डेस का साइन, अगर टू से बड़ी कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो ये पॉजिटिव ही होने वाला है, फिर वन से टू के बीच में, वन से टू तो ये वाला इंटरवल, वन से टू तो इसमें नेगेटिव हो रहा है, जीरो से वन के बीच में, जीरो से वन तो ये पॉजिटिव हो रहा है, एंड माइनस इन्फिनिटी टू जीरो, यानी एक्स लेस देन जीरो है तो एफ डेस के साइन ऑब्वियसली नेगेटिव। तो देखो जीरो पे माइनस में से प्लस, यानी ये लोकल मिनिमा, वन पे प्लस में से माइनस, यानी ये लोकल मैक्सिमा, एंड टू पे माइनस में से प्लस, यानी ये है लोकल मिनिमा। सो यस, ये तीनों पॉइंट्स पे आपको मैक्सिमा मिनिमा मिल रहे हैं, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। आई होप कि सारी चीजें आपको क्लियर है।
ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट द वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन। ये बहुत इजी है, और देखो यहाँ पे एक्स का क्लोज्ड इंटरवल है। ग्रेटेस्ट एंड लिस्ट वैल्यू का मतलब लोकल समझना है या ग्लोबल वैल्यू, लोकल वैल्यू या ग्लोबल? तो देखो ग्लोबल वैल्यू समझना है, या अगर यहाँ पे वर्ड होता है मैक्सिमा मिनिमा तब लोकल समझना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लिस्ट वैल्यू तब आपको समझना है ग्लोबल वैल्यू। तो फंक्शन एफ की ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट्स को फाइंड करो। एक बच्चे ने सॉल्व कर दिया है, किसने? शिवम ने सॉल्व कर दिया। प्रतिष्ठा, प्रशीष। चलो इजी क्वेश्चन है, तो बहुत सारे बच्चों ने जल्दी से सॉल्व कर दिया, वेरी नाइस। सो द गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 12x, तो सबसे पहले उसका डेरिवेटिव फाइंड कर दो। एफ डैश ऑफ एक्स हो जाएगा 3x² माइनस 12 के बराबर। फंक्शन कौन से पॉइंट पे जीरो हो जाएगा? लेट एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, देयरफॉर 3x² माइनस 12 इक्वल टू जीरो, therefore x² minus 4 equal to 0, therefore x equal to plus or minus 2. तो फंक्शन प्लस 2 एंड माइनस 2 पे 0 हो रहा है। कौन से पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है वो भी देख लो। तो भाई पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल तो पूरे डोमेन पे डिफरेंशिएबल होती है। तो ये है हमारे पॉइंट्स जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम या मिनिमम हो सकती है। उसके बाद बाउंड्री पॉइंट के बारे में भी सोचना है। तो आपको यानी एफ ऑफ माइनस 1 फाइंड करना है, f of 3 फाइंड करना है, ठीक है? x के इंटरवल की बाउंड्री पे फंक्शन की वैल्यू एंड क्रिटिकल पॉइंट्स पे फंक्शन की वैल्यू, ये चारों वैल्यूज को फाइंड करो तो आपको पता चल जाएगा कौन सी वैल्यू सबसे मैक्सिमम है, कौन सी वैल्यू सबसे मिनिमम है। f ऑफ माइनस 1 कितना हो जाएगा? माइनस 1 प्लस 12 यानी ये 11, f ऑफ 3 3 का क्यूब 27 एंड 12 3 36, तो ये माइनस कितना, ये माइनस 9। उसके बाद एफ ऑफ 2 2 का क्यूब यानी 8 एंड 12 2 24, तो ये हो जाएगा -16 एंड एफ ऑफ -2 -2 का क्यूब -8 एंड यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 24, 24 में से 8 को माइनस करो तो 16, तो 16 इज द मैक्सिमम आंसर एंड -16 इज मिनिमम। एक मिनट, कोई मिस्टेक है क्या मेरी? कहीं पे कुछ मैंने मिस्टेक की है क्या? सर दिखेगा तब तो बताएंगे। क्या हुआ सर? स्क्रीन शो होगी अच्छे से तब तो बताएंगे। दिख रही है स्क्रीन? अच्छे से नहीं दिख रही। अरे यार चलिए सभी वैल्यूज एक बार मैं ठीक से चेक कर लेता हूँ। माइनस 1 का क्यूब माइनस 1 और यहाँ पे प्लस 12, तो ये तो 11 हो रहा है। यहाँ पे 3 पुट करने पर 27 एंड 36, तो ये -9। यहाँ पे 2 पुट करोगे तो 2 का क्यूब 8 एंड ये 24, तो ये -16 ही हो रहा है। एंड -2 पुट करने पर
माइनस एट प्लस 24। यस, तो यहाँ पे ऑप्शन में गड़बड़ी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू एफ ऑफ माइनस टू पे 16 है एंड मिनिमम वैल्यू एफ ऑफ टू पे माइनस 16 है। कुछ ऑप्शन में मिनिमम माइनस 16 शो कर रहा है लेकिन मैक्सिमम मैक्सिमम में गड़बड़ है ना। 11 इज नॉट मैक्सिमम, 16 इज मैक्सिमम एट पॉइंट माइनस टू। ओके, यस, सो यहाँ पे ऑप्शन में ही गड़बड़ है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 देख लो इसे। एक मिनट, आगे के क्वेश्चन में मेरी मिस्टेक मुझे मिल चुकी है। ये माइनस टू तो ये वाले इंटरवल में है ही नहीं। माइनस टू को आप कैसे कंसिडर कर सकते हो? ये माइनस टू वाला पॉइंट इंटरवल में भी नहीं है। दिस डज नॉट बिलोंग्स टू माइनस वन टू थ्री। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन पे 11, मैक्सिमम वैल्यू माइनस वन पे 11। अब सारी चीजें करेक्ट है, ठीक है ना। ओके, देखो अभी आज की आपके क्लास 1 आवर की है एंड शायद 1 आवर कंप्लीट होने को है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। अभी ये क्वेश्चन 8 आप खुद सॉल्व कीजिए घर पे बैठ के। उसके बाद और भी ये जो पीडीएफ है उसमें और भी कुछ क्वेश्चन है, वो मैं आपको पीडीएफ में सेंड कर दूंगा। तो वो सारे क्वेश्चन आप घर पे बैठ के सॉल्व कीजिएगा, और अगर कोई भी डाउट है तो हर्षित सर की हेल्प ले लीजिएगा, है ना। ठीक है, तो आज की हमारी क्लास यहाँ तक रहने वाली है। ओके, सो आई होप कि आज जो हमने क्वेश्चन सॉल्व किए वो आपको अच्छे से समझ आ चुके होंगे। घर पे बैठ के अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, अपने एग्जाम की सारी तैयारी कीजिए। तो मिलते हैं फिर कभी। चलिए, बाय एवरीवन। बाय बाय सर, बाय सर, थैंक यू सर, गुड नाइट, बाय सर, गुड थैंक नाइट। यू सर।